गुड मॉर्निंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीबॉडी फाइन, सेफ एंड हेल्दी. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग लर्न अबाउट स्किप काउंटिंग. आज हम लोग स्किप काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज स्किप? स्किप मीन्स क्या होता है? स्किप मीन्स छोड़ना. स्किप मीन्स छोड़ना. जब हम किसी के घर जाते हैं, आप अपने घर से किसी घर जाना है, कहना आप मेरा घर थर्ड नंबर पे, आपके घर से, तो आपने अपने घर से थर्ड नंबर पे जाने के लिए कौन सा नंबर, कौन सा घर छोड़ा आपने? सेकंड छोड़ दिया, फिर आप थर्ड में गए, तो वो क्या होता है? स्किप करना. ठीक है, यानी छोड़ के हमें आगे बढ़ना. ओके, चलिए स्टूडेंट, आप ये नंबर्स को देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हमने 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, आपने बच्चों रेड को देखा है, रेड कैसे जंप करता है? स्मॉल स्मॉल में, है ना? तो देखिए रेड कैसे जंप करता है. इस पर 1 से 4, 2 पे इसने जंप किया, 2 से 3 पर आया, 3 से 4 पे जंप किया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? उसने सारे नंबर को क्रॉस करते हुए वो 10 पर आया, है ना? तो उसने कोई भी नंबर स्किप नहीं किया, क्योंकि वो छोटा था, वो नंबर कैसे स्किप कर पाता, छोड़ पाता वो? तो उसने सारे नंबर को यूज़ कर किया और 10 के पास आया, है ना? आगे देखिए, अब हम लोग स्किप काउंट बाय स्किप टू नंबर स्किप करके आगे बढ़ेंगे. ओके, चलिए देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ मैंने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना? अब इसमें हम लोग डॉग को जंप कराएंगे. ठीक है, डॉग कैसे जंप करेगा? वो तो क्या है, बिग एनिमल है, तो वो कैसे जंप करेगा आप लोग देखिए. उसने 0 से स्टार्ट किया जंप करना. ठीक है, 0 पे आया और उसने जंप किया डायरेक्ट, वो कहाँ आया? 2 पे. तो उसने कितने नंबर यहाँ पे स्किप किया? 0 को भी स्किप किया और 1 को भी, उसने 2 स्किप किया नंबर, तो वो 2 पे आया. 2 के बाद उसने 4 पे आया, 4 के बाद उसने जंप किया तो 6 पे आया, 6 के बाद 8 पे जंप किया उसने, 8 के बाद 10 पे जंप किया, 10 के बाद 12 पर, 12 के बाद 14 पर एंड 14 के बाद 16 पे, है ना? तो डॉग ने किस किस नंबर पे जंप किया ये देखते हैं. इसने 2 पे जंप किया, 4 पे जंप किया, 6 पे जंप किया, 8 पर जंप किया, 10 पर किया, 12 पर किया, 14 को पे किया एंड 16 पे किया, है ना? और उसने किस किस नंबर को स्किप किया, कितने नंबर को? 1, 2 नंबर स्किप किया तो वो 4 पे आया, फिर उसने 4, 5 को स्किप किया तो वो 6 पे आया, 6, 7 को स्किप किया उसने तो वो 8 पर आया, 8 और 9 को जब उसने स्किप किया तो 10 पे आया, 10 और 11 को स्किप किया तो 12 पे आया, 12 और 13 को स्किप किया तो वो 14 पे आया, है ना? और 14, 15 को जब उसने स्किप किया तो 16 पे आया. यानी डॉग ने 2 नंबर को स्किप किया तो वो आगे बढ़ा, है ना? अब आगे हम लोग देखते हैं 3. अब हम लोग 3 नंबर को कैसे स्किप करके आगे बढ़ना है वो देखते हैं. इसको हम किससे करेंगे कंपेयर? लेपर्ड से. लेपर्ड कितने हाई जंप लगाता है ना, तो देखिए वो कैसे जंप करता है. उसने क्या जंप किया? 0 से, तो कहाँ पहुँचा वो? डायरेक्ट 3 पर, है ना? अब 3 से वो जंप करेगा तो कहाँ जाएगा वो? 6 पर. उसने जंप लगाई तो वो 6 पे आया. अब 6 से उसने जंप किया तो वो 9 पे आ गया. अब 9 से जंप करेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा? 12 पर. 12 से उसने जंप किया तो 15 पे आ गया वो. 15 से जंप किया तो डायरेक्ट 18 पे आया, है ना? तो
लेपर्ड ने कितने नंबर स्किप किए? 3 पे उसने जंप किया, तो 3 के बाद उसने 6 पे आया। 6 के से पहले उसने कितने नंबर स्किप किए हैं ये देखते हैं। 1 2 3 उसने 3 नंबर स्किप किया, तो 3 के बाद वो 6 पे आया। 6 के बाद उसने 9 पे जंप किया, तो उसने 3 नंबर स्किप किया 6 7 एंड 8 को। फिर 9 के बाद उसने कितने नंबर स्किप किए, तो 12 पे आया। 9 1 2 3 9 10 11 3 नंबर स्किप किया तो वो 12 पे आया। और 12 के बाद उसने कितने नंबर स्किप किए तो वो 15 पे पहुंचा। 12 13 14 यहाँ पर भी उसने 3 नंबर स्किप किए तो वो 15 पे आया। 15 के बाद वो 18 पे आया, तो उसने कितने नंबर स्किप किए, यहाँ पर भी उसने 3 नंबर स्किप किया। 15 16 एंड 17 नंबर स्किप किया तो वो 18 पे आया। तो बच्चों इसी तरह ही हम लोग इसी को ही हम लोग स्किप काउंटिंग कहते हैं, यानी नंबर को छोड़कर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, स्किप काउंटिंग। ओके तो बच्चों आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको समझिए कि स्किप काउंटिंग क्या है। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।